एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। नमस्ते प्रणाम, मैं अंतिमा और आप देख रहे हैं मिस अंतिमा की लाइफ स्टाइल। सो ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं अपनी विंटर डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी 8 o'clock से दिन की शुरुआत हो जाती है और उठते ही मैं सबसे पहले करती हूँ गॉड को प्रे, ताकि मेरा जो भी हो सब कुछ अच्छा रहे दिन आज का और भी प्रोडक्टिव रहे। और उसके बाद मैं अपने रूम की जो जंगले हैं उसको खोलती हूँ ताकि उससे ईरर आ सके, फ्रेश ईरर आ सके मेरी रूम में। और देन उसके बाद मैं बेड को फ्रेश करती हूँ। मैं आप सबको भी सजेस्ट करती हूँ, आप कुछ और करो या ना करो, बट उठते ही अपना बेड जरूर ठीक कर ले, उससे बहुत ही अच्छा रहता है, पूरे रूम में फ्रेशनेस बना रहता है और मूड भी अच्छा रहता है। एक बेड अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैं हर रोज़ करती हूँ, उठ जगती हूँ। उसके बाद मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, फ्रेश करती हूँ रूम को, जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो खत्म करती हूँ। देन मैं फ्रेश होके यहाँ पे ब्रश कर लेती हूँ। और उसके बाद एक अच्छे से फेस वॉश से मैं अपना फेस को वॉश कर लेती हूँ। नॉर्मल वाटर के मुकाबले अगर मैं फेस वॉश से वॉश करती हूँ तो मेरा माइंड, मेरा मूड ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ सुबह सुबह। एंड यहाँ पे मैं अपने बालों को खोल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बाल कितना उलझा हुआ है। सो इनको मैं अच्छे से बांध लूँगी, पोनी टेल कर लूँगी, ताकि मुझे और सारे काम करने में आसानी हो और बाल किसी चीज़ में खाने वाने में पड़े ना, अगर मैं किचन में जाती हूँ तो। एंड देन मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। सो यहाँ पे मैं और सारे रूम में की बेड ठीक करती हूँ, जितने भी रूम में पड़े रहते हैं बेड सेट उनको ठीक करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। और इन सब कारणों से खाली होके मैं अपने लिए भी टाइम निकालती रहती हूँ, अपनी भी केयर करती रहती हूँ काम के बीच बीच में। सो ये रहा शहद, वो होता है ना सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, बट मुझसे सिर्फ गर्म पानी नहीं पिया जाता, अच्छा नहीं लगता। सो मैं उसमें शहद मिला के पीती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते हैं सिर्फ, तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, ये भी अच्छा होता है आपके फेस के लिए भी और बॉडी के लिए भी। अच्छे से ये आपको डिटेक्टिव करता है और भी ज़्यादा फ्रेशनेस देता है फेस को। तो यहाँ पे मैं बेड पे बैठ के आराम से पीती हूँ इसको। एंड देन मैं जाती हूँ अपने गैरेज में, जो छोटा सा बगीचा की तरह है, उसमें फ्लावर होते हैं, तो वहाँ से मैं फ्लावर तोड़ के लाती हूँ पूजा के लिए। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। एंड फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और यहाँ पे चाय मैं गुड़ वाला ही पीती हूँ, मैं शक्कर का यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया और छोटा सा नाश्ता करूँगी मैं चाय बिस्किट के साथ में। एंड देन मैं थोड़ी सी काम में लग जाती हूँ, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना रहता है तो वो मैं बना लेती हूँ, कभी मम्मी बना लेती हैं कभी मैं बना लेती हूँ। तो आज आलू सोयाबीन बन रहा था, दाल चावल और रोटी सब कुछ, तो वही मैं कर रही थी। एंड देन ये देखिए बाहर कितने प्यारे प्यारे पपीस बैठे थे, तो उनके साथ भी मैं थोड़ा सा खेलने लगी। और फिर मुझे ना उनसे रहा नहीं गया, मुझे लगा उनको भूख लगी होगी, तो ये देखिए मैं खाना लेके जा रही हूँ उनके लिए दाल चावल, बट वो खा ही नहीं रहे थे। एक ने थोड़ा सा मुंह लगाया था खाने के लिए बट वो खा ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि मैं हूँ इसलिए नहीं खा रहे, तो मैं हट भी गई, बट फिर भी नहीं खा रहे थे। तो मम्मी ने बताया, अरे वो छोटे हैं, वो अभी खाना थोड़ी खाएंगे, उनको खाना थोड़ी आता है, उनकी मम्मी का दूध पीते हैं वो अभी, तो मुझे पता चला वो मुझे लगा खा ही नहीं रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे वाटर गर्म करके रख देती हूँ बोतल में, बहुत टाइम तक रखता है बोतल, बहुत ही अच्छा है, इसमें ना 24 घंटा रख सकते हैं, इतना अच्छा ये बोतल है और गर्म का गर्म ही रहने वाला है, सो बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, थोड़ा बहुत जो भी है,
और जो खाना बनाने के बाद में बर्तन हो जाते हैं उनको भी ले जाके मैं धो दूँगी, थोड़े बहुत कपड़े होंगे उनको भी वॉश कर दूँगी जो कि मैं वीडियो में दिखाने वाली नहीं हूँ। एंड देन मैं उसके बाद चलती हूँ ऊपर, और भी काम है, पोछा लगाना है। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर के पोछा लगाने। सो इसको मैं डेली रूटीन नहीं बोलूँगी, ये वाला स्टेप मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ, बट क्योंकि कल क्या ये वीडियो मिलेगा तब तक मकर संक्रांति हो चुका होगा, तो मैं बता दूँ ये मकर संक्रांति की तैयारी है। थोड़ी बहुत सारी रूम में पोछा लगाना है। विंटर के टाइम में तो हर रोज़ पोछा नहीं लगाना चाहिए बिकॉज ठंडी ठंडी फैल जाती है, ऐसे भी ठंडी रहती है, तो वही सब मैं कर रही थी पूरा। सो फाइनली अपना सारा काम वाम निपटा के अपने रूम को बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेस करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ शावर लेने, शावर लेने के बाद मिलती हूँ। देन मैं यहाँ पे अपने लाइट ऑफ कर देती हूँ रूम की। सो मैं आ चुकी हूँ शावर लेके और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपनी स्किन की केयर कर लूँगी। तो फाइनली अच्छे से रेडी होने के बाद मैं कर लूंगी थोड़ा सा पूजा। एंड पूजा करने के बाद में मैं करती हूँ अपना सिंपल सा लंच, दाल चावल भुजिया। वैसे तो मैं खाना खाते टाइम हमेशा टीवी देखते हुए ही खाती हूँ, बट वहाँ पे कैमरा फ्रेश नहीं आ रहा था इसलिए मैं अलग बैठ के खा रही हूँ। देन फिर मैं करने लगती हूँ अपनी छोटी सी स्किन केयर धूप में बैठ के। यहाँ से आप देख सकते हैं धूप आ रही है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे मैं बॉडी लोशन वगैरह लगा रही हूँ। विंटर के टाइम में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहाने के बाद हमारी स्किन यू नो कितनी थोड़ी बहुत रोकी हो जाती है ना, तो उनके लिए। एंड देन मैं रेडी होकर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ धूप में, और मैंने बाल धो के नहाया हुआ था। फिर मैं आ गई हूँ गैरेज में, वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी। और ये देखिए मैंने लगाई है मेहंदी, मैं जाने वाली हूँ कहीं, क्यों कहाँ जाने वाली हूँ ये तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, अभी नहीं बताऊँगी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी है एक प्लेट मैगी जो कि मैं खाने वाली हूँ। सो शाम के टाइम ये मुझे डेली क्रेविंग होती है कि मैं मैगी खाऊँ शाम के टाइम में, तो ये मैं खाती हूँ हल्का फुल्का सा। सो कैसी लगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं।